प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगवीर सिंह आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सीनियर की केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट सॉल्यूशन यूनिट नंबर 2। यूनिट का नाम है बेटा सॉल्यूशन विलयन। नाम से विदित है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ हैं उनका समांग मिश्रण बना ले, उस समांग मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। इस टॉपिक में किन किन बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1, सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है, किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, यानी अपन विलयन के बारे में अपन पढ़ेंगे, विलयन की परिभाषा, अपन वर्गीकरण, विलयन की परिभाषा, वर्गीकरण, इसके अलावा अपन कहें विलयता, सांद्रता, सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे अपन, इसके अलावा राउले का नियम, राउले के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार यानी अपन दो प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, आदर्श विलयन जो राउल के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपन स्त्रीक्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, अपन स्त्रीक्वाथी मिश्रण, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म जिनमें कौन कौन से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, फिर अपन तीसरा हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब और इसके बाद में वांट हाफ गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण जो बिंदुओं के बारे में अपन अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या है, इसका वर्गीकरण, विलयता किसे कहते हैं, सांद्रता क्या है, सांद्रता की जो इकाइयां हैं उनके बारे में, राउले का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, यानी आदर्श विलयन क्या है, जो राउल के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं आदर्श विलयन, जो राउल के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन है, इनमें जो विचलन उत्पन्न होता है धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकारों के में अपन बांटेंगे, तो प्रत्येक के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में, चार अणुसंख्यक गुणधर्म है, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर क्वथनांक में उन्नयन, फिर हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब, और उसके बाद में वांट हाफ गुणांक के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, और अपन जो सांद्रता के हैं उनके न्यूमेरिकल्स भी अपन अध्ययन करेंगे। तो कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को प्रत्येक बिंदु के बारे में अच्छी तरह से समझाऊं, है ना, और अपन हर एक बिंदु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, और मेरी तरफ से कोशिश होगी कि प्यारे विद्यार्थियों के
समझ में आए देखो बेटा विलियन नाम से विदित है अपन यहां इस चैप्टर में दिवंगी विलियन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? दिवंगी विलियन के बारे में, यानी विलियन के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं। तो विलियन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है बेटा? कि विलय विलायक में पूर्णतया घुल जाए, पूर्णतया समा जाए, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। यहां पर अपन द्विवंगी विलियन की चर्चा करेंगे। तो विलियन के कितने भाग हुए? दो। एक तो विलय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, दूसरा विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, विलय छोटा शब्द है, विलायक बड़ा शब्द है। तो बड़ा मतलब बड़ी मात्रा होती है, ज्यादा मात्रा होती है। ये छोटे छोटा शब्द है, इसका इसकी छोटी मात्रा होती है। तो अपन यू भी याद रख सकते हैं। तो विलय क्या होता है? कम मात्रा में उपस्थित। क्या होता है बेटा? कम मात्रा में उपस्थित होता है। और विलायक क्या है? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इसका मतलब विलय क्या हो गया बेटा? घुलने वाला पदार्थ। क्या हुआ बेटा? घुलने वाला पदार्थ। और विलायक क्या हुआ? घोलने वाला पदार्थ। तो ये तो हो गया घुलने वाला पदार्थ, और ये क्या हो गया बेटा? घोलने वाला पदार्थ। यानी घुलने की वाले पदार्थ की अपेक्षा घोलने वाला पदार्थ क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 50 ग्राम नमक है, NaCl है, ठीक है ना? उसका अपन ने 500 ml विलियन बनाया। क्या बनाया बेटा? 500, या अपन यू कहे कि 500 ml जल में इसको अपन ने घोल लिया, या विलियन बनाया अपन ने। तो इसका मतलब इसमें विलय की मात्रा कितनी है बेटा? 500 ग्राम है। विलय की मात्रा कितनी है बेटा इसमें? सॉरी 500 ग्राम नहीं, सॉरी 50 ग्राम है। विलय की मात्रा कितनी है बेटा इसमें? 50 ग्राम। और पूरे विलियन की मात्रा कितनी है बेटा? या अपन कहें इसको, जैसे मैं दूसरे एग्जांपल से बता दूं, मैं यू कहूं कि मैं यहां 50 या यू कहूं 20 ग्राम NaCl है, 20 ग्राम NaCl का अपन कहें कि 500 ग्राम जल में गोला, इसको 500 ग्राम जल में इसको गोला। तो इसका मतलब कि विलायक की मात्रा कितनी होगी बेटा? 500 ग्राम। विलायक की मात्रा कितनी हुई बेटा? 500 ग्राम हुई। और विलय की मात्रा कितनी हुई? 20 ग्राम हुई। भाई 500 ग्राम में अपन ने, 500 ग्राम जल में अपन ने इसको गोला, कितना? 20 ग्राम। तो विलय की मात्रा तो 20 ग्राम हो गई। और अपन के जो विलायक है उसकी मात्रा कितनी हुई? 500 ग्राम। टोटल द्रव्यमान देखिए विलयन का 520 हो गया। विलयन का द्रव्यमान अपन कितना हुआ इसका? 520 हुआ।
तो यहां पर देखे विलायक की मात्रा ज्यादा वीक नहीं हुई ऐसे, या अपन अपन कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम अपन चीनी ली, उसका अपन ने 500 ml जल में उसको उसका जलीय विलयन बना लिया, तो उसका मतलब पूरा विलयन कितना हुआ, 500 ml विलयन हुआ, जिसमें विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है, अपन ने जितनी ली 4 ग्राम ली तो 4 ग्राम घुली हुई है। तो विलेय हमेशा कम होता है और विलायक हमेशा ज्यादा होता है। तो विलेय का मतलब क्या हो गया, घुलने वाला पदार्थ, और विलायक का मतलब क्या हो गया बेटा, घोलने वाला पदार्थ। शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अपन ये तो अपन उस समय न्यूमेरिक सांद्रता की कहें पढ़ेंगे ना, उस समय क्लियर हो जाएगा बेटा ये। और अब बेटा प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ेंगे अपन भाई विलयन की भौतिक अवस्था किससे निर्धारित होती है, विलेय से होती है या विलायक से होती है। तो बेटा हमेशा ये ध्यान रखना है कि विलयन की भौतिक प्रावस्था विलायक पर निर्भर करती है। किस पर करती है बेटा, विलायक पर निर्भर करती है, यानी विलयन की भौतिक प्रावस्था विलायक पर निर्भर करती है। विलायक की प्रकृति कैसी है, विलायक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है, उसके आधार पर अपन विलयन का प्रकार करते हैं, भाई ये द्रव विलयन है, ये गैसीय विलयन है या ये ठोस विलयन है। तो अपन इस विलयन का जो वर्गीकरण करते हैं, वो विलयन का वर्गीकरण अपन पहला जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो भौतिक प्रावस्था के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे बेटा, भौतिक प्रावस्था। जैसे अपन को बताया कि अपन देखें यहां पर संक्षेप में बता दूं, फिर सारणी बना के बताऊंगा मैं, विलेय और विलायक है। अगर मैं विलायक की गैस ले लूं, गैस ही विलयन हो गया, तो गैस किस में घुले, गैस में, द्रव में, ठोस में, है ना भाई, गैस का गैस में, द्रव का गैस में और ठोस का गैस में। तो इसका मतलब इसकी ये विलयन कैसा हो गया, गैसी विलयन हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 विलयन गैसी हो गए, 3 विलयन विलयन क्या होंगे बेटा, द्रव के, द्रव का यहां पर अपन गैस, गैस को द्रव में घोले, फिर द्रव को द्रव में घोले अपन, ठीक है ना, फिर अपन ठोस को द्रव में घोले, तो इसके आधार पर द्रव विलयन 3 हो गए। इसी प्रकार अपन ठोस विलयन करें, अपन गैस को ठोस में घोले, द्रव को ठोस में घोले और ठोस को ठोस में घोले, तो इस प्रकार 3 विलयन ठोस विलयन हो गए, 3 विलयन द्रव विलयन हो गए और 3 विलयन गैस विलयन हो गए। तो भौतिक प्रावस्था के आधार बेटा विलयन कितने प्रकार की हुई है, 9 प्रकार की हुई है, उनके बारे में बेटा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो देखो बेटा पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इस आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। मैं यहां लू विलयन, फिर मैं लिखू यहां विलय, विलायक पे, ये विलायक, और फिर अपन उदाहरण एग्जाम्पल। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना आप लोग, पहला जो विलयन अब मैं पढ़ूंगा बताऊंगा वो गैसीय विलयन, गैस विलयन, ये विलय, विलायक और ये एग्जाम्पल अपन उदाहरण लेंगे।
पहला अपन गैस सिविलियन में विलय अपन गैस को गैस में घोले, फिर अपन द्रव को गैस में घोले, फिर बेटा ठोस को गैस में घोले। इस प्रकार ये 3 विलयन गैसी हो गई। अपन फिर द्रवीय विलयन या द्रव विलयन और इसका मतलब गैस को द्रव में और फिर बेटा ठोस को द्रव में। इस प्रकार 3 हो गए द्रव्य विलयन, 3 द्रव्य विलयन हो गए लिक्विड सॉल्यूशन। अब अपन तीसरा ठोस विलयन, इसको ठोस ये विलयन अपन कह सकते हैं। यहां पर अपने गैस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में और ठोस का ठोस में। इस प्रकार 3 प्रकार के ठोसीय विलयन हो गए। तो इस प्रकार भौतिक प्रावस्था के आधार पर कितने विलयन हुए बेटा? परम रूप से तो 3 भागों मार दिया, गैसीय विलयन गैस विलयन हो गया, द्रवीय विलयन हो गया और ठोसीय विलयन हो गया, है ना। तो ऐसे 3 प्रकार के हैं प्रमुख रूप से। गैसीय विलयन 3 प्रकार के, गैस को गैस में, द्रव का गैस में, ठोस का गैस में, फिर लिक्विड वाले में गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में, ठोस का द्रव में। फिर अपन ठोस में देखें, गैस का ठोस में, द्रव का ठोस में और ठोस का ठोस में। तो इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल अपन ले। देखो ध्यान दो, गैस का गैस में अपन देख सकते हैं बेटा, दो गैसों को मिलाए तो अपन यू भी कह सकते हैं बेटा दो गैसों का मिश्रण। एग्जाम्पल क्या हो गया, दो गैसों का मिश्रण ये ले सकते हैं, वायु इसका एग्जाम्पल हो सकता है आदि। ठीक है, गैस का गैस में। अब द्रव का गैस में ले अपन, जैसे मान लीजिए कि अपन कहें कि क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म को N2 गैस में, अपन कहें क्लोरोफार्म CHCl3 का N2 में विलयन, N2 गैस में विलयन। तो क्लोरोफार्म लिक्विड है, इसको अपन N2 गैस में घोले, तो क्लोरोफार्म का N2 गैस में विलयन क्या हो गया, द्रव का गैसीय विलयन हो गया। इसी प्रकार अपन द्रवों का वाष्पीकरण का एग्जांपल ले सकते हैं, अपन द्रवों का वाष्पीकरण इसका उदाहरण हो सकता है। अपन कहें द्रवों का वाष्पीकरण होता है, गैस वायु में जलवाष्प हो सकता है, गैस वायु में जलवाष्प आदि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब तीसरा, ठोस का गैस में, ठोस को अपन गैस में घोले, जैसे मान लीजिए उद्रोपातन जानते हैं अपन, उद्रोपातन से अपन आयोडीन ले, कपूर ले, नौसादर ले, तो उद्रोपाती ठोस है वो क्या हो गया, विलय हो गया, और विलय क्या होगी, गैस। तो अपन यू कह सकते हैं कि कपूर का, अपन कहें कपूर का N2 में विलयन। इसके अलावा अपन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, नौसादर बोलते हैं। इसके अलावा आयोडीन हो सकता है, है ना, नेप्थेलीन हो सकता है आदि। तो यहां पर तो उद्रव पातित
ठोस है वो क्या है, विलय है, और विलय क्या है, गैस है। अब द्रव्य विलयन में, गैस का द्रव्य में, गैस का द्रव्य में, जैसे अपन कहें सोडा जल है तो सोडा जल के अंदर अपन कहें देखो यहां पर अपन विलायक लिक्विड हो गया, अब इसके अंदर अपन गैस, अब जब सोडा जल है उसकी बोतल खोलते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है, तो CO2 क्या होगी, विलय हो गई, अपन कहें वो विलय क्या होगी, गैस होगी, तो सोडा जल है। इसके अलावा बेटा अमोनीकृत जल यानी अमोनिया का जलीय विलयन हो गया, अमोनीकृत जल आदि इसके एग्जाम्पल हैं। सोडा जल है, अमोनीकृत जल है, आदि श्रेणी में आ गया गैस का द्रव्य में। अब बेटा द्रव्य का द्रव्य मतलब दो पूर्णतः मिश्रित द्रव्य ले लिया अपन, कोई भी हो सकती है बेटा, दो पूर्णतः मिश्रित द्रव्य इस श्रेणी में आते हैं। द्रव्य का द्रव्य में मतलब दो पूर्णतः मिश्रित द्रव्य। जैसे मान लीजिए अपन कहें अल्कोहल का जलीय विलयन बनाए, एग्जाम्पल हो सकता है अल्कोहल का जलीय विलयन, या अल्कोहल का जल में विलयन। अल्कोहल और जल एक दूसरे में मिश्रित है, पूर्णतः मिश्रित है, तो दो पूर्णतः, मैंने सारांश रूप में लिख दिया, दो पूर्णतः मिश्रित द्रव्य, द्रव्य का द्रव्य विलयन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अपन अल्कोहल का जल में विलयन ले लिया, अपन जलीय विलयन, जल में अपन अल्कोहल का, अपन यू भी कह सकते हैं कि अल्कोहल का जलीय विलयन आदि, यानी दो पूर्णतः मिश्रित द्रव्य इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ठोस का द्रव्य में जैसे मान लीजिए अपन कहें ठोस, जैसे मैं आपसे कहूं कि नमक है, नमक को पानी में घोलो, तो नमक क्या हो गया, नमक क्या हुआ बेटा, विलय हो गया, और पानी क्या हो गया, जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो अपन यू कह सकते हैं, तो नमक का अपन कहें NaCl का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन आदि श्रेणी में आगे। अब उसके बाद में गैस का ठोस में देखो, गैस का ठोस में मींस गैस को ठोस में घोले, अधिशोषण उदाहरण हो सकता है बेटा इसका। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, गैसों का, अपन कहें गैसों का ठोस धातु की सतह पर, गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण, गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण। जैसे अपन कहें कि H2 गैस का पैलेडियम धातु, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, H2 गैस का पैलेडियम धातु पर अधिशोषण, H2 गैस का पैलेडियम धातु पर अधिशोषण, तो गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण इसके उदाहरण है गैस का ठोसीय विलयन में, गैस का ठोस में। अब द्रव्य का ठोस में जैसे अपन कहें कि Hg का मतलब जिंक में, यू कहें अपन Hg का जिंक में विलयन, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जिंक अमलगम हो गया, अमलगमित जिंक हो गया। इसके अलावा अपन कहें अमलगमित सोडियम, अमलगमित मैग्नीशियम, तो अपन कहें अमलगमित सोडियम अमलगमित मैग्नीशियम आदि। अब देखो भाई, ठोस का ठोस में जैसे विभिन्न
मिश्र धातुएं इस श्रेणी में, जैसे अपन कहें पीतल, कॉपर और जिंक, एग्जाम्पल लें अपन पीतल कॉपर प्लस जिंक, पीतल ठोस का ठोस में विलयन, मतलब ठोस विलयन का उदाहरण हो गया पीतल। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक के धातु से मिलकर के पीतल मिश्र धातु बनती है, जैसे कांसा है, कॉपर और टिन। कांसे की बात करूं मैं, कांसा तो कॉपर प्लस टिन, तो कॉपर टिन धातु से मिलकर के ये कांसा मिश्र धातु बनती है। तो पीतल और कांसा किसका विलयन, किसका एग्जाम्पल हो गया? ठोस का ठोस में, ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। ठोस में कौन सा है? यानी विलय भी क्या है? ठोस है, और विलायक भी क्या है? ठोस है। तो बेटा यहां पर कुछ ही एक एक दो दो एग्जाम्पल देख करके मैंने समझाने की कोशिश की है बेटा आप लोगों को। प्यारे विद्यार्थियों एक बार मैं रिवीजन करवा दूं तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं बेटा? 9 प्रकार है। गैसीय विलयन के 3, द्रवीय विलयन द्रव विलयन के 3, ठोस विलयन के 3। तो गैस का गैस में, दो गैसों का मिश्रण वायु आदि श्रेणी में आ सकते हैं। द्रव का गैस में, द्रव का गैस में जैसे क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में विलयन, मतलब द्रवों का, और एग्जाम्पल हो सकता है द्रवों का वाष्पीकरण। गैस वायु में जलवाष्प आदि, गैस वायु में जलवाष्प आदि इसके एग्जाम्पल है। ठोस का गैस में विलयन, जैसे कपूर का उद्रोपाती ठोस इसमें आते हैं तो कपूर का N2 में विलयन, अमोनियम क्लोराइड नौसादर, आयोडीन नेप्थलीन आदि इस प्रकार के विलयन के एग्जाम्पल हैं। गैस का द्रव में जैसे सोडा जल, अमोनीकृत जल आदि। द्रव का द्रव में इसमें कौन से विलयन आते हैं? कौन से द्रवीय विलयन आते हैं? दो पूर्णतः मिश्रित द्रव इस श्रेणी में, जैसे एल्कोहल का जलीय विलयन आदि। ठोस का द्रव में जैसे NaCl का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन आदि। गैस का ठोस में, गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण, एग्जाम जैसे H2 गैस का पैलेडियम धातु पर अधिशोषण, H2 गैस का पैलेडियम धातु पर अधिशोषण, यानी गैस का ठोस में विलयन बनाए तो गैस क्या होगी? विलेय, और विलायक क्या हो गया? ठोस। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं बेटा? गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण, H2 गैस का पैलेडियम धातु पर अधिशोषण। द्रव का ठोस में जैसे मरकरी का जिंक में विलयन, मींस जिंक अमलगम, और मरकरी का सोडियम में अमलगमित सोडियम, और अपन मरकरी का मैग्नीशियम में तो अमलगमित मैग्नीशियम आदि श्रेणी में। और ठोस का ठोस में विभिन्न मिश्र धातु जैसे पीतल कांसा आदि इस श्रेणी में आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों विलयन का मैंने टॉपिक आज स्टार्ट किया है और इंट्रोडक्शन ही अपन ने पढ़ा है, और मैंने कोशिश की है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी हो सकता है कि कुछ बिंदु समझ में नहीं आए, तो कहीं बेटा अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स के द्वारा बेटा बता सकते हो। उसकी दोबारा क्लास, ऑनलाइन क्लास के द्वारा दोबारा समझा दिया जाएगा। और सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि जगवीर केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने ये टॉपिक शुरू किया है ये समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।